हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रतिभा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्लोज टू नेचर में। और आइए नेचर के करीब देखिए कैसे मधुमक्खी गुलाब का रस पीते हुए। और इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालती हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख सकें। तो ये गुलाब के पौधे हैं और गुलाब के फूल हैं, तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। डायंथस भी बड़े अच्छे खिले हुए हैं वैसे, लेकिन ये वीडियो गुलाब पर है कि मैं अपने गुलाब की कैसे केयर करती हूँ। और सर्दियों में तो गुलाब वैसे ही बिल्कुल बाहर आ जाती है, इनका साइज़ भी बड़ा हो जाता है और नंबर ऑफ़ फ्लावर्स भी बढ़ जाते हैं, और जो फ्लावर्स स्पेंट हो जाते हैं उनको तोड़ देना चाहिए। ये देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं। देखिए पहले तो मैं आपको अपने प्लांट्स ही दिखाती हूँ, फूल कितनी सारी कलियाँ। और ना धूप निकली हुई है तो बड़ा, बहुत ही दिनों में आज हमारे यहाँ धूप निकली है आज ही, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ बारिश में ख़राब भी हो गए थे, तो इनको ऐसे यहाँ से तोड़ देना चाहिए क्योंकि प्लांट की एनर्जी अब इसमें वेस्ट ही होनी है, इसको जाना ही है। तो थोड़े बहुत ख़राब भी हो गए, और फिर एक टाइम होता है 3 या 4 दिन, बस इसके बाद ये फूल चले ही जाते हैं। बहुत सारी कलियां हैं तो बहुत ही खिलते हैं। और एक ये देखिए मैं अपना पौधा दिखाती हूँ, मैक्सिमम मैंने कटिंग से लगाई है। और ये देखिए ये बेस है और चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर भी देखिए काफ़ी कलियाँ हैं और ऊपर चले। फिर से दिखाती हूँ आपको कली। अब थोड़े से इसकी हाइट बहुत अच्छी हाइट है, और ये हाइट आ गई बिल्कुल मेरे इक्वल। और देखो कितनी सारी कलियाँ इस स्टेज पर भी हैं, और अब प्लांट देखो कितना लंबा, कितना लंबा। और ये देखिए कितना ऊंचा, आसमान से बातें करता हुआ। यहाँ पर टोटल 4 कलियाँ थी, एक फूल खिल चुका, वो भी बहुत सुंदर, सबसे बड़े साइज़ का तो वही था, उसको मैंने तोड़ दिया। और देखिए कितने अच्छा लग रहा है ये पौधा। एक तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इन सबको अच्छी फुल सनलाइट में रखिए, जहाँ आपके गार्डन में मैक्सिमम धूप आती है, नंबर 1। दूसरा, साल में 2 बार इनको बहुत अच्छे से बिल्कुल वेल डीकम्पोज्ड, 1 या 2 साल पुरानी आपको गोबर की खाद मिल जाए अच्छी सी। तो मैंने इनको नवंबर में बहुत अच्छे से गोबर की खाद दे दी थी, तो वो डाला। उसके बाद में मैं अब पूरे विंटर्स इनको जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है, कभी तो मैं सरसों खली का बना लेती हूँ, कभी काउडंग बना लेती हूँ, वरना एक ये मेरे सारा कुछ भी किचन का डिकम्पोज कार्ड, ये तो मैंने बेल पत्र डाले हुए, मेरे कुछ ख़राब हो गए थे तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और विद इन 1 वीक ये फर्टिलाइज़र जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के जैसा हो जाता है, सिर्फ वो डाला, उसमें पानी मिलाया, थोड़ा सा बैक्टीरिया चाहो तो लस्सी, छाछ, दही कुछ ऐसा डाल सकते हैं। और 1:10 की रेशो में, या सर्दियों में तो 1:5 की रेशो में करके भी इसको मैं वीकली चेंज करते हुए, कभी ये दे दिया कभी कुछ दे दिया, ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। और देखिए सभी में कैरन कोई, पैंजी, सभी में बहुत अच्छी बर्ड, सारे कुल मिला के ना कुछ तो धूप है, और अब तक तो सिकुड़े सिकुड़े से रहते थे, तो आज मेरा भी मन बड़ा खुश है और प्लांट्स भी बड़े ही खुश हैं, बड़े ही। और ये देखिए पेंजी लगाने की जगह नहीं बची थी, अब तो वैसे मैंने पॉट परचेज कर लिए, बहुत सारे दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं लेकर आई थी 15 रुपीज़ के, बहुत सारे ये प्लांट थे, पौध मैंने सारे में लगाई थी, थोड़े बड़े हुए, एक वीडियो में मैं लिंक दे दूँगी, वो मैंने शेयर किया था आपसे। और ये देखिए क्यूट सा प्लांटर, इसमें गैलन कोई कितना अच्छा लग रहा है। और ये ही मेरी सारी गुलाब की टिप्स हैं कि जितने भी कटे फत्ते, एक देखिए गुलाब की मैंने कटिंग विंटर्स में गुलाब की कटिंग बड़ी सक्सेस होती है, बड़े आराम से लग जाती है। और मैं साथ में दे देती हूँ DAP, महीने में 1 बार DAP के कुछ दाने। अभी तो जैसे बारिश हुई थी तो मिट्टी ना गीली है, बहुत दिनों से पानी ही नहीं दिया गया, तो इस मिट्टी में क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र भी नहीं देना, पानी भी नहीं देना, तो थोड़ा सा DAP डाल देती हूँ मैं, और ये बहुत स्लोली इसमें चला जाता है। थोड़ी सी अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर दें,
जितने भी कटे फटे पुराने पत्ते हैं वो सब हटा दें। बस इतनी सी केयर के साथ में आपका गुलाब का प्लांट जो है बड़ा ही अच्छा सा चलता रहेगा। जो अपनी गमले की मिट्टी लेनी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन लेनी है, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी रुके ना। और पानी हम जब देंगे जब हमारी टॉप सॉइल 1 इंच सूख जाएगी। और इन्हीं केयर टिप्स के साथ हमारे फूलों का राजा हमारे गार्डन की सुंदरता को ऐसे ही बढ़ाता रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में कुछ और खूबसूरती के साथ। टिल देन कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, गुड बाय।